बीकानेर में अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यहाँ की लोक कला और संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिल्पकार रुचिका जोशी ने शहर में कई स्थानों पर फाइबर की मूर्तियां स्थापित की हैं। अब वे यहाँ के रेलवे स्टेशन पर बने गए वेटिंग हॉल सहित स्टेशन परिसर को मूर्तिकला के माध्यम से साकार रूप देने में जुटी हैं। इनमें जूनागढ़ किले से निकलने वाली शाही घनगौर की सवारी सहित विभिन्न लोक संस्कृति की झांकियों को दर्शाया गया है। हमारे कल्चर को, हमारी रॉयल्टी को भूलती जा रही है, तो इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे राजस्थान का इतिहास है, जो राजस्थान की रॉयल्टी है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको सर मैं अपनी मूर्तिकला के अंदर दिखा रही हूँ, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि हमारा जो इतिहास था वो बहुत रॉयल था। कोरोना काल के दौरान सभी पैसेंजर्स डर रहे हैं ट्रैवलिंग करने से, तो मेरा ये मानना है कि जब पैसेंजर यहाँ आके आधा घंटा एक घंटा वेट करेगा, तो उसके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा और साथ के साथ हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हमने रॉयल जो गणगौर सवारी है वो दिखाई है, 4 मेजर लव स्टोरीज दिखाए हैं और सर हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए 4 मेल और 4 फीमेल को भी हमने लेफ्ट और राइट वॉल पे दिखाया है। बीकानेर की जो लोक संस्कृति है बहुत रिच लोक संस्कृति है, तो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और जो पर्यटक जो हमारे दूसरी जगह से आते हैं, तो पर्यटकों के लिए भी एक देखने के लिए कि बीकानेर की संस्कृति की छाप पड़े, थोड़े उनके समझ बढ़े। और अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरीके के प्रयास हमने स्टेशन की जो सेकंड एंट्री है उधर भी हैं, उधर बीकानेर के और जो राजस्थान के जो 4 प्रमुख प्रेम कथाएं हैं उनका चित्रण है। फिर आपने अगर देखा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, तो एक हमने रेगिस्तानी जीवन की झांकी प्रस्तुत की हुई है।